हेलो सीबीएसई स्टूडेंट, क्लास टेंथ का मैथ्स का आपका एग्ज़ाम है कल। आपको तीन वीडियो आज जो है मिलने वाले हैं। हालांकि देखिए, मैथ में आपने पूरे साल जो स्टडी की है वो ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मैथ्स के अंदर क्या है, क्वेश्चन की डिजिट चेंज होके आता है, कॉन्सेप्ट आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो लास्ट टाइम पर हम आपकी हेल्प के लिए तीन वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें पहला वीडियो ये आप देख रहे हैं जो एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग आपका 80-90% पेपर इन्हीं में से आने वाला है और अब के पेपर आपका एनसीईआरटी से आएगा। आप देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं। अब नेक्स्ट आपका जो आएगा वो वीडियो किस चीज़ का आएगा आपका, उसके अंदर हम बताने वाले हैं आपको किस चीज़ के, जो आपके 14 इम्पोर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन पेपर जिसमें से लगभग 30 मार्क्स का पेपर डिजिट चेंज होके एग्जैक्ट कॉपी आने वाला है। तो आज आप जो है हमारे चैनल पर रिलाय कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए देखिए क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स के जो हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और 100% ये क्वेश्चन आने वाले हैं, और बहुत ही कम क्वांटिटी में हमने क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप इसमें देखेंगे आपने केवल 3 एग्जांपल करने हैं, 5, 12 और 15। 15 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आधा पेपर तो आपका इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट में से ही आने वाला है। देखिए थोड़ी बहुत डिजिट तो आपकी चेंज होएंगी। अब हम चलते हैं आपका 4.1 एक्सरसाइज में, केवल पहला क्वेश्चन करना है। 4.2 में फर्स्ट जो है इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करना है, और फोर्थ क्वेश्चन करना है और फिफ्थ क्वेश्चन करना है, जो कि बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है, जिस पे इस तरीके का फूल का निशान बना हुआ है, ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपने ये ज़रूर करने हैं। 4.3 आपका क्या है, सेकेंड क्वेश्चन करना है, थर्ड करना है, एट करना है, नाइन करना है, टेन करना है। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आपके लिए ये चीज़ हमने निकाली है, और आपका जो है पेपर 100% जो है अच्छा जाएगा। 4.4 में आपने फर्स्ट का सेकंड और सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और फोर्थ, ये आपने करने हैं, ये एनसीईआरटी की बुक में से आपने उठा के करने हैं। अब की बार एक या दो क्वेश्चन के अलावा सारा का सारा पेपर आपका किससे उठ के आना है, एनसीईआरटी से, चाहे वो बेसिक वाले हों चाहे स्टैंडर्ड वाले हों। तो हम जो है अब देखते हैं आपका चैप्टर नंबर 5 जो है अर्थमेटिक, जो है आपका प्रोग्रेशन। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल्स आपके लिए जो है क्या है, 4, 5, 7 इस चैप्टर के अंदर आपका जो है जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जैसा कि 8, 15, 11, 12। देखिए सीबीएसई बोर्ड के पास भी मजबूरी है हर एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन देने हैं, तो इससे बाहर जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे बाहर तो आने का चांस ही नहीं है। हालांकि देखिए डिजिट हल्की फुल्की चेंज हो जाती है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मैथ में ऐसा नहीं है। इंग्लिश होता तो उसमें एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, हिंदी होता, साइंस होता तो उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, लेकिन मैथ में आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए। फॉर्मूले रिवाइज कर लो और ये चीज़ कर लो, और पूरे साल आपने स्टडी तो की ही होगी। अगर नहीं भी की है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है। 5.1 में आपका फर्स्ट का थर्ड और ये फोर्थ, और 5.2 में 8, 11, 18, 20, 13 और 14। ये देखिए जिस पे ऐसा निशान डल रहा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। 5.3 आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है, ये क्या है आपका थर्ड का सिक्स्थ और एट्थ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और टेंथ भी, और आपके जो मेन क्वेश्चन 9th, 10th और 11th, ये तीनों तो पक्का कर लेना, पक्का इसमें से क्वेश्चन आपका उठ के आने वाला है। और 5.4 में आपका 5th, 6th और 14th क्वेश्चन, तो ये केवल आपने क्वेश्चन जो है करने हैं। अब हम चलते हैं आपका आगे जो है चैप्टर जो है 9th चैप्टर है, तो 9th चैप्टर में क्या आ रहा है आपका, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, ट्रिगो की एप्लीकेशन आपकी क्या है। तो आप इसमें एग्जाम्पल देखिए, जो ट्रिगो वाला चैप्टर है इसमें 4, 6, 7, देखिए आपका एक क्वेश्चन तो 4, 6, 7 में से पक्का उठ के आने वाला है। 9.1 की बात करें, क्योंकि इसमें क्या है आपका, बस सिचुएशन चेंज हो सकती है, फिगर एंगल लगभग आपकी बुक में से ही इसमें से इस चैप्टर में क्वेश्चन आने वाला है। 9.1 में सेकेंड क्वेश्चन ट्री वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
ये सारे क्वेश्चन आपके जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपका आने का चांस है नहीं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10, जो सर्कल है आपका। तो आप देखेंगे सर्कल वाले चैप्टर में बच्चों को दिक्कत आती है, और मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करके कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। इसमें केवल आपने स्टार स्टार वाले कर दिए, अगर ज्योमेट्री आपको टफ लगती है तो केवल 7-8 क्वेश्चन करके चले जाइए, आपका पेपर उसी में से आना है, बाहर से बिल्कुल आने का चांस नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, 10.1 में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, और 10.2 में क्या है, फर्स्ट, फिफ्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, इलेवन, ट्वेल्थ, थर्टीन। बाकी अगर आपकी ज्योमेट्री वीक है तो जिस पे मैंने स्टार का साइन बनाया केवल आप वो कर लीजिए। आपके लिए देखिए बेस्ट ऑफ लक है, आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा होगा। आप लास्ट टाइम पे भी तैयारी करें, ये ऐसा ही नहीं है कि आपको ऐसे ही दे दिया, 80% पेपर मार्क्स जो हैं आपके आ सकते हैं अगर आप केवल यही ये क्वेश्चन देख के चले गए। अब आपका क्या है, चैप्टर नंबर आता है 11, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में 11.2 आपकी आ रही है, जिसमें 2, 4, 6 और 7 क्वेश्चन केवल आपने करने हैं, और एक आपका क्या है इंटरनल डिवीजन। डिवीजन कैसे होती है आपकी, जस्ट ऐसे करके जैसे आपका 3-4 की रेशो है या 4-3 की रेशो है, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। तो अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 13, जो कि आपका क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, तो हम जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो नेक्स्ट वीडियो उसमें आप देखेंगे, उसमें और भी आपको चीज़ एग्जैक्टली डिटेल में आएंगी। तो आप जो है एग्जाम्पल्स क्या है, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, नाइन, इलेवन, और इसमें हम बता चुके हैं कि ये वाले जो क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल 13.1 में आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, सिक्स है, एट है, नाइन, ये कर लेना। 13.2 में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, और 13.3 में क्या है, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ। तो देखिए एक इसमें क्या आने वाला है, आपका TSA के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, दो फिगर को जोड़ देंगे और उसका TSA पूछेंगे, और दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो मेल्ट वाला आना है या नंबर वाला आना है। तो ये ध्यान रख लेना, मेल्ट जैसे आपका क्या होता है, किसी चीज़ को मेल्ट करके कुछ और बना दिया गया। नंबर पूछ लेंगे कि भाई एक चीज़ में, एक मान लिया बकेट है, उसमें आपको आइसक्रीम कोन निकालने हैं तो कितने भरे जा सकते हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन देख सकते हैं। अब आपका जो चैप्टर नंबर 14 है उसके अंदर क्या आने वाला है, वो आपका 8 नंबर का है, तो बहुत ज़्यादा वेटेज आपके लिए रखता है, तो आप इसको ईजिली नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए पहला, चौथा, छठा, आठवां एग्जाम्पल, इसको चैप्टर को बहुत ध्यान दीजिए, अकेले 8 नंबर का यही चैप्टर है और बहुत इजी है। अब इसमें क्या है, ये 14.1 में थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, नाइन्थ, और 14.2 में फाइव और सिक्स, 14.3 में थर्ड, सिक्स, सेवन, यही क्वेश्चन आप करके चले जाइए। देखिए एक इसमें क्या है, एक क्वेश्चन तो आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर आएगा और एक आपका मीन मोड मीडियन के ऊपर आएगा। अब वो दो टाइप के आएंगे, यानी कि दो क्वेश्चन बनेंगे मीन मोड मीडियन के। पहला वाला क्या है आपका कि डिस्क्रीट सीरीज में से आ सकता है और एक डायरेक्ट मेथड में से आ सकता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके जो है ये इम्पोर्टेंट है, और भाई इनको पक्का सवालों को देख लीजिए, जहाँ भी इनके आपको सॉल्यूशन मिलते हैं ये आपको देखने पड़ेंगे, तभी आपका जो है पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा जो है होगा। बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए, और जस्ट ये परफेक्ट है आपके लिए, बिल्कुल मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ, आप रिलाय कर सकते हैं। लगभग 10-15 साल से आपको, यानी कि यहाँ जो आपके इंस्टीट्यूट पे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, उन सबको यही सवाल बताए जाते हैं और यही अब की बार आने के चांस हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पक्का आएंगे, बेसिक वाले हों चाहे स्टैंडर्ड वाले हों। तो आई होप आपको चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई होंगी। तो आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं, अब देख सकते हैं। और आज का पेपर तो आपका नहीं है, खैर कल आपका मैथ का पेपर है, तो वो अच्छा हो। अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स गाइस।